बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। छपरा, सिवान और गोपालगंज में जो शराब जहरीली शराब से लोगों की मौत है वो बढ़कर 39 हो गई है। यानी लगातार जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में हर कोई शराबबंदी पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर कैसे जहरीली शराब मिल रही है। ऐसे में आपको बता दिए कि मामला लगातार बढ़ रहा है, मौत के कागार बढ़ रहे हैं, हर तरफ जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और ये आंकड़े आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने का संभावना है। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष तो लगातार इस पर सवाल उठा ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो जहरीली शराब कांड पर थानेदार को बोलते हुए नजर आए हैं। जी हां, जदयू के विधायक और नीतीश कुमार के बेहद करीबी गोपाल मंडल ने भी जहरीली शराब को लेकर अपना बयान दे दिया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि शराब तस्कर और शराब माफियाओं से थानेदार मिले रहते हैं और यही वजह है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। जी हां, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि थानेदार की मदद से ही शराब तस्करी होती है और थानेदार जो हैं वो मिले रहते हैं और यही वजह है कि उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ता है। शराब के धंधेबाज एक्सपायरी दवा और जहर मिलाकर नकली शराब बनाते हैं। जी हां, छपरा और सिवान के जहरीली शराब कांड पर मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि गरीब लोग जहरीली दारू पीते हैं तो मड़वे करेगा ना, गरीब आदमी नशा के लिए महुआ पीता है, देहाती क्षेत्रों में गुड़ का दारू बनता है जिसमें नींद का एक्सपायर टैबलेट नशा के लिए मिला देता है, कच्चा दारू बनाने वालों को अंदाज नहीं है कि कितना देना चाहिए तो मात्रा बढ़ जाती है, जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है वह शराब पीकर मर जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि दारू में नशा बढ़ाने के लिए सल्फास की गोली का चूर्ण बनाकर दारू में मिला देता है, ऐसी शराब को पीने से लोग मरते हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच शराब के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लगने के सवाल पर गोपाल मंडल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जहां भी शराब बनता या बिकता है वहां के थानेदार शराब माफिया से मिले हुए रहते हैं और यही वजह से धंधोबाजों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है और धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक थानेदारों पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक शराब कारोबार पर रोक लगाना मुश्किल होना है। उन्होंने कहा है कि स्थिति को सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई जाना चाहिए और अपराधियों को पकड़कर बंद कर देना चाहिए। जी हां, क्योंकि बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने दावा किया है कि शराब तस्कर और शराब माफियाओं से थानेदार मिला हुआ रहता है। उनका कहना है कि बिना थानेदार के मिले हुए शराब का धंधा तो हो ही नहीं सकता है, थानेदार मिले हुए रहते हैं और यही वजह है कि उन शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहता है। साथ ही ये भी कहा है कि जहरीली शराब यानी जो गरीब लोग हैं वो महुआ पीते हैं तो देशी शराब जो बनाए जाते हैं वो गुड़ को सराकर बनाया जाता है, एक्सपायर्ड नीम की दवा को मिलाकर बनाते हैं, यहाँ तक कि ये भी कही है कि सल्फास की गोली का जो चूर्ण होता है उसको मिलाकर ये लोग जहरीली शराब बनाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले छपरा और सिवान से खबर आई जहां पर जहरीली शराब पीने से 16 गांव के करीब 32 लोगों की मौत हो गई है और कईयों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसे में आपको बता दें कि आज गोपालगंज से भी खबर आई है जहां पर जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और आंखों की रोशनी भी चली गई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती भी है। तो एक तरफ जहाँ बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर और शराब माफिया अलग अलग खोज से शराब बेचते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि थानेदार की मिलीभगत होती है, उनकी मिलीभगत से ही ये शराब का धंधा फलता फूलता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो जरूर बनता है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब कहाँ से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है जहां जहरीली शराब से मौत जो हो गई है जिसको लेकर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अपनी कमेटी के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उस बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीम गठित कीजिए, वहां जाकर खोजबीन कीजिए और देखिए कि कहां से कैसे शराब बनाए और बेचे जा रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी पकड़ा जाता है उस पर बड़ी एक्शंस और सख्त कार्रवाई लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है। फिलहाल जहरीली शराब का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है। और जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी बड़ा दावा कर दिया है, कह दिया है कि थानेदार के मिलीभगत से शराब तस्कर का जो शराब का धंधा है वो फलता फूलता है और थानेदार की वजह से ही शराब तस्करों का जो मनोबल है वो बढ़ा रहता है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपायरी दवा सल्फास की गोली और गुड़ इसको मिलाकर ये लोग शराब बनाते हैं जिसके सेवन से लोगों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं थानेदार की अगर बात आ रही है तो उस पर भी निगरानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब मौत के आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये वाकई बड़ा सवाल बनता है कि शराबबंदी वाले बिहार में और हर तरफ पुलिस वाले बिहार में आकर इतने मामले आ कहां से रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।